हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, फिट फाट हैं? तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं, मतलब सब नहीं जानते, मतलब जो मेरे सर्कल में हैं वो लोग जानते हैं कि एक हमारे साहबजादे दुनिया में हमारे घर में तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने जब हकीका वगैरह किया तो सबको मिठाई वगैरह बांटी, और फिर यू नो एक जो एक जेस्चर होता है, एक गुड जेस्चर्स के तौर पर जो है ना, आप वो उसको सेलिब्रेट करते हो। सेलिब्रेट क्या, एक हकीका करते हो, जो कि एक इस्लामी तरीका है, जो कि आप को हर मुसलमान को करना ही पड़ता है जब उसके यहाँ जो है ना वो किसी बच्चे की पैदाइश होती है। तो हकीका किया एंड देन मिठाई वगैरह जो है ना वो हम लोगों ने बांटी सब कुछ। तो इस चीज़ में मेरे कुछ कोलीग थे वो रह गए थे, तो आई वाज वेटिंग के कोई मतलब मौका मिले मैं सबको एक दफ़ा ही हैंड ओवर कर दूँ, बजाय कि वो सबकी तरफ वन बाय वन जाना। तो वो भी हो जाता, उसमें भी कोई मसला नहीं था, बट पॉइंट इसके यार सब एक पॉइंट पे होंगे ना तो सबको हैंड ओवर करना इजी हो जाएगा। तो बेसिकली आज ट्रीट है, हम लोग ट्रीट लेने जा रहे हैं, और दो जो हैं वो कलीग्स हैं, उनकी प्रमोशन हुई है, यू नो ऊपर आए हैं। तो जब आपकी प्रमोशन होती है तो ऑफिस सर्कल में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि आपको ट्रीट देनी पड़ती है। मिठाइयाँ मैंने ले ली हैं, ये पीछे पड़ी हुई हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट जिसे कहते हैं, मतलब मैंने बहुत जगह से मिठाई खाई है, बहुत जगह से खाई है, और मुझे लाहौर में, मतलब बाहर का नहीं, मतलब मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर में इनसे बेहतर मुझे कोई मिठाई नहीं लगी, जो मर्जी ब्रांड आप लें। ठीक है, वो जैसे बात करते हैं कि जी वो मतलब कशिशी हैं और एक आधा कोई और, मतलब ये चाशनी वगैरह और इस तरह के दो तीन और हैं ना जो आजकल चल रहे हैं। ठीक है, पहले तो मेरा भी हुआ करती थी, फिर क्या वो हाफी स्वीट, बट स्वीट्स और पता नहीं क्या क्या है सब खाएँ। नो वन कैन बीट दिस बी एम स्वीट्स, ये मुल्तान रोड पर इनकी शॉप है, एंड अमेजिंग मिठाई यार, मतलब लड्डू खा लो इनके, इनकी आप गुलाब जामुन लड्डू और गुलाब जामुन तो बेस्ट एवर है ना, मतलब वो आप किसी जगह से अगर आप गुलाब जामुन लो ना तो वो उसमें वो एक बड़ा खारा अच्छी चीज़ आती है और सॉफ्ट थोड़े सख्त होते हैं, इनके गुलाब जामुन तो भाई ओ हो तो वही है। स्पाइस बाजार जा रहा हूँ यार आज, स्पाइस बाजार को हम लोग कहने, स्पाइस बाजार ना मतलब अपनी एक जैसे कहते हैं सेकंड होम, उसकी फील आना शुरू हो गई है, क्योंकि जितना हम लोग स्पाइस बाजार जाते हैं, एक टाइम था जब मैं जाता था उधर, हम लोग मतलब मैं नहीं, हम लोग जाते थे वहाँ पर चाय खाना, तो वो सेकंड होम टाइप फील आती थी, क्योंकि जब भी कुछ होना चलो भाई चाय खाना चले। तो अब जो दिन है ना वो अब हमारा सेकंड होम बन चुका हुआ है जनाब, स्पाइस बाजार। नो डाउट खाना बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट क्वान्टिटी क्वालिटी सब बेस्ट है, इसलिए जाते हैं भाई, अब कुछ अच्छी लगती है तो लोग फिर उधर ही जाते हैं। हालांकि नवंबर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, एक दिन रह गया है, रातें ठंडी हो गई हैं, दिन ठंडे हो गए हैं, लेकिन दोपहर जो है ना वो स्टिल यार मतलब गर्मी वाली फील दे रहा है। जी जस्ट रीच, और स्टार्ट का मैं वीडियो नहीं बना सका, और थॉट के यार खाना पहले ले आए, फिर उसके बाद जो है ना वो वीडियो बनाते हैं। इनको आप जानते हैं हसन भाई, एज यूजुअल लास्ट व्लॉग में जो नोबू में थे हमारे साथ, वकास इनको भी आप जानते हैं, हसन भाई थोड़ा सा ज़रा बीमार है, इसलिए पी रहे हैं। गास की प्लेट, मेरी प्लेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, खाना हम लोगों का। तीन खवातीन अभी नहीं आई, वो खाना डाल रही हैं प्लेट्स में अपने अभी। इन्हा खुश, ये रिदा, हसन भाई बहुत मुबारक हो आपको, रिदा आपको भी बहुत मुबारक हो, इनकी और इनकी दोनों की प्रमोशन हुआ है। हसन भाई अल्लाह ताला आपको और ऊपर जाने की तौफीक दे, और पार्टी भी देने की, और रिदा आपको भी। लेडी ये आ गए हैं स्पाइस बाजार के पाए। हसन भाई कैसा था खाना यार? अच्छा था। क्या खा रहे हैं? शुरुआत इन्होंने हसन भाई ने की थी सूप के साथ, बीमार थे, इनका गला खराब था, हाँ यखनी थी, यखनी। चाहिए सब पाए खा रहे हैं, बेहतरीन पाए हैं, मतलब ओवरऑल इनका खाने का टेस्ट भी अच्छा है यार, इनका ग्रेप जूस बहुत मज़े का है। मुकाश अपनी शादी की दास्तान सुनाते हुए, मेरे साथ ही क्या हुआ, 500 था नहीं मेरे घर से, मैं 500 दे दिया इसको, आगे 1000 बहुत है।
भाई अपने शादी की दास्तान सुनाते हुए कि उन्होंने मेकअप जो है ना वो सिर्फ 1000 रुपए में, मतलब उन्होंने पूरा पैकेज 1000 रुपए का करा, 1000 रुपए करवाया था। मैंने कोई पैकेज भी नहीं लिया। ये नाई के पास गए, उसने कहा मुझे छिल दो, उसने इनको छिल दिया शादी के लिए। भाई ऐसी ये लोग सारे जो बैठे हैं, खास तौर पे ये और हसन भाई और विकास, ये एक फ्यूचर ब्लॉगर जो किसी रैंक पे जा सकता है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर मैं फ्यूचर में कभी बड़ा ब्लॉगर हो गया तो ये बंदे होंगे उसके ज़िम्मेदार, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और ज़्यादा। अच्छा जी, हमारी वापसी है एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। हम लोग निकल गए, अब हम लोग लेंगे यहाँ पर पिक्चर, उसके बाद हम लोग जाएंगे। ठीक है यार, यहाँ पे एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पिक्चर लेते हैं। ओके जी, हम लोग जा रहे हैं बाहर। सेट हो जो, वो हसन भाई किधर गए? हसन भाई आप नजर नहीं आ रहे, सबसे ऊपर वाली सीट पे आ गए। स्माइल कर ले। ओके तो अब चूंकि मैं कार में बैठ चुका हूँ तो इट मींस कि अब मेरी वापसी हो रही है। ठीक है, इट वाज अ गुड डे। कुछ रिलेटिव्स आ गए हैं, उनको भी मिलना है, सबको टाइम देना है। ईसा के आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक घर में नई रौनक सी बनी हुई है। मेहमान आ रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं ईसा को, और बहुत सारी दुआएं शुआएं मिल रही हैं। तो मिठाई अब आप देख रहे हो कि यार बैग पे नहीं पड़ी हुई, वो मैं उन सबको हैंड ओवर कर चुका हुआ हूँ। और दो लोग रह गए हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, एक बॉस और एक मेरे और कलीग हैं वो, और वो पाकिस्तान जब आएंगी बॉस तो फिर उनको भी हैंड ओवर करूँगा, क्योंकि वो फिर बहुत डिले हो जाना था। अगर वो सुने तो बॉस आपकी मिठाई पेंडिंग है टिल जब तक आप नहीं आ रही, जब आएंगी तो आपको अब तब हैंड ओवर करूँगा। और दूसरे कलीग हैं वो जब आएंगे पाकिस्तान तो ऑब्वियसली तब उनको दे दूँगा। तो मैंने कहा बाकी तो सब अभी इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी को तो अब देना। तो बस